आगामी विधानसभा चुनाव में भयमुक्त व शांतिपूर्ण मतदान के लिए मुस्तैद जिला पुलिस की कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने 3 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। कोतवाली निम्बाहेड़ा व साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई में सहयोग किया। 2 आरोपी पूर्व के प्रकरण में वांछित चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता की पालना करवाने एवं अवैध शराब वितरण, अवैध नकदी आदान प्रदान, अवैध मादक पदार्थ व अवैध हथियारों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी बुगलाल मीना व डीएसपी निम्बाहेड़ा बेनी प्रसाद मीना के निर्देशन में थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेड़ा राम सुमेर मीना पुनी द्वारा एएसआई सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल हरविंद सिंह, कांस्टेबल अमित रतन, रामकेश, राकेश, हेमंत, राजेश, अशोक, जीतराम, विजय, रणजीत, सुमित व साइबर सेल से राम अवतार कानी की टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए की गई कार्रवाई में हेड कानी अरविंद सिंह में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कॉलेज रोड इशाकाबाद निम्बाहेड़ा से आरोपी गरीब नवाज कॉलोनी इशाकाबाद थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा निवासी 28 वर्षीय सद्दाम खान पुत्र हबीब खान पठान के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी सद्दाम खान को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरी कार्रवाई में एएसआई सूरज कुमार, सहायक उप निरीक्षक में टीम द्वारा हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के प्रकरण के वांछित आरोपी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा निवासी 31 वर्षीय मोहम्मद शफीक उर्फ सद्दाम उर्फ भोला पुत्र रईस खान पठान व 25 वर्षीय सलमान उर्फ बल्ली पुत्र सलीम खान को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आरोपियों की सूचना पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ सद्दाम उर्फ मोला व सलमान उर्फ बल्ली से विस्तृत अनुसंधान जारी है। इसी प्रकार एक और कार्रवाई में एसआई सूरज कुमार व टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जलिया चेक पोस्ट निम्बाहेड़ा पर नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार आरोपी छात्रवास के पास ईदगाह चौराहा निम्बाहेड़ा निवासी 25 वर्षीय साफान अहमद पुत्र कैसर अहमद वनई आबादी मेवाती मोहल्ला हाई स्कूल के पीछे निम्बाहेड़ा निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद आसिफ उर्फ बैंक पुत्र मोहम्मद उमर मेवाती के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी साफान अहमद व आसिफ को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।